लेबनान में घुसी इसराइल की सेना। इसराइल का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह। लेबनान में भगदड़ जैसी स्थिति है। बॉर्डर पर सायरन बज रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं तो कहीं टैंक के गोले बरस रहे हैं। रात के अंधेरे में इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुसी। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर बरसते बम इसराइल के दावे पर मोहर लगा रहे हैं। इसराइल ने युद्ध का फ्रंट लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। अब युद्ध का एपिसेंटर गाजा से हटकर लेबनान हो गया है। हिजबुल्ला पर इसराइल के सीरियल अटैक के बाद अब इसराइल की सेना सीमा से सटी हिजबुल्ला के सुरंगों में घुसकर तलाशी ले रही है। आईडीएफ के रडार पर इसराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास हिजबुल्ला की सुरंगें हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर मुहर लगा दी। आईडीएफ ने लिखा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। लेबनान की सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां हिजबुल्ला के कई ठिकाने हैं जो खतरा बने हुए हैं। इजरायली वायुसेना इस ग्राउंड ऑपरेशन में मदद कर रही है। दक्षिणी लेबनान के गांवों और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्ला ने अपना खतरनाक अड्डा बना रखा है। इसराइल से लड़ाई के लिए हिजबुल्ला सालों से तैयारी कर रहा है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा कर रखा है। हिजबुल्ला की ये सुरंगें गाजा की हमास सुरंगों की तरह संकरी नहीं है, बल्कि ये इतनी चौड़ी हैं कि इनके अंदर मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक चल सकते हैं। मिसाइलों से लदे ट्रक भी हिजबुल्ला के सुरंग में चलते हैं। हिजबुल्ला की सुरंगें, बंकर, मिसाइल भंडार और कमांड सेंटर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। ये सुरंगें मीलों तक फैली हैं, जिससे हिजबुल्ला के लड़ाके निकलकर हमला करते हैं। यही वजह है कि इसराइल ने हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला को मारने के बाद अब ऐसी जगहों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिससे हिजबुल्ला इसराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। इसराइल को डर था कि हिजबुल्ला अपने चीफ के मारे जाने के बाद इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही इसराइल ने हिजबुल्ला पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इसराइल ने हमले की प्लानिंग के बारे में अमेरिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन अमेरिका को हमले की टाइमिंग नहीं बताई। अमेरिका ने इसराइल की कार्रवाई का समर्थन किया है। लेबनान पर जमीनी कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की। इसके